तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 700 रुपए का नगद पुरस्कार कौन ले जाता है, राजू या फिर अनिल। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में अंडा करी और चावल रखा हुआ है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है अंडा करी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंडा करी और चावल लगा हुआ है। आज हमारा अंडा करी चावल ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में 8 अंडा और चावल लगा हुआ है। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में कौन फर्स्ट आता है, कौन 700 रुपए की राशि लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंडा करी और चावल से युद्ध करने के लिए जो योद्धा बैठ चुके हैं, एक तरफ है राजू और एक तरफ है अनिल। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 700 रुपए का नगद पुरस्कार कौन ले जाता है। देर न करते हम चाहेंगे टाइमर को चालू कर दिया जाए भैया, और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही दोनों योद्धा पूरी तरह जुट चुके हैं अंडा करी चावल पर, और देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और दोनों लोग बिल्कुल अंडे और चावल पे बिल्कुल फुल फोकस कर लिए हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। राजू जी थोड़ा सा जो हाई वोल्टेज वाली बाइट लगा दी है तो उस बाइट को बरकरार रखिए, और अनिल भी बहुत गजब तरीके से इस समय जुटे हुए है चावल और ग्रेवी में। तो देखना बहुत बढ़िया कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 700 रुपए का नगद पुरस्कार कौन ले जाता है, राजू या फिर अनिल। और दोनों ही चैलेंजर बहुत फुर्ती में से लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कहीं जाना है जैसे चैलेंज को छोड़ करके, मतलब फटाफट कंप्लीट करके उसी तरह से आज फुल फोकस में लगे हुए हैं चैलेंज। ऐसा नहीं लग रहा है कि दो मिनट ये चलेगा, दो मिनट से पहले ही समाप्त करने वाले हैं ये लोग, और बहुत गजब तरीके से इस समय रेस में दौड़ चुके हैं अंडा करी चावल के इस जंग में। दोनों लोग बहुत ही गजब तरीके से भाग रहे मंजिल की ओर। तो देखना है सबसे पहले मंजिल पर पहुंचकर इस थाली को खाली करके 700 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। और दोनों ही चैलेंजर बहुत स्पीड में लगे हुए हैं और हमको लग रहा है 3 मिनट में कुंभकर्ण थाली खाली हो जाएगी इन लोगों की। बहुत गजब तरीके से इस समय राजू बार बार देख रहे हैं अनिल के चेहरे को, और अनिल किसी तरफ न इधर न उधर कहीं देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि हमें राजू को हराना है, और राजू भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और दोनों ही चैलेंजर बहुत फुर्ती से लगे हुए हैं, और अनिल जी बोल रहे हैं तीखा है, और राजू जी बोल रहे हैं नहीं नहीं, आपस में वार्तालाप करते हुए दोनों चैलेंजर। बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा टाइमर ऊपर कर लीजिए, बहुत गजब। और इस समय अनिल की जो स्पीड है वो काफी हद तक का स्पीड कारगर हो रही है, और देखना है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए क्या क्या कमाल करते हैं दोनों लोग। और सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वही विजेता कहलाएगा। राजू जी पीछे है तो सिर्फ एक अंडे से, अंडे को पूरी तरह से खाकर आगे हो जाएंगे। देखना है क्या फुर्ती लगाते हैं, क्या यहाँ पर स्कीम लगाते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है, और देखते हैं अनिल जी आए हैं तो क्या आज राजू जी को पीछे कर पाएंगे या नहीं, या फिर राजू जी खुद ही पीछे हो जाएंगे। और अनिल पूरी तरह से जितने भी अंडे थे चावल में मिला लिए हैं, तो देखना है कि इसका क्या कमाल निकलता है। और राजू जी पूरी तरह से वन बाय और मिला लिए हैं तो क्या उड़ा पाएंगे कि नहीं, ग्रेवी को भी इस्तेमाल कर लीजिए नहीं तो बाद में पीना पड़ेगा। हाँ ग्रेवी सहित पूरा अगर खाली होता है तभी जीत होगी। बहुत गजब तरीके से, और इस समय राजू जी पूरी तरह से बटोर दिए हैं चावल को, और अनिल पूरे जितने भी चावल थे थोड़ा बहुत छोड़ के नहीं तो सभी चावल को पूरी तरह से मिक्स कर लिए हैं। और देखना है कि इस मिक्स अब राजू जी के एक्सीलेटर पावर लगी है, पावर लगाना चाहिए था लगा चुके हैं, और अनिल भी अपनी पूरी फुर्ती लगा दी है। तो देखना है कि एक्सल पावर के आगे फुर्ती जीतती है या फुर्ती के आगे एक्सल पावर। बहुत गजब तरीके से दोनों लोग इस रेस में दौड़ रहे हैं, देखते ही देखते 3 मिनट 3 सेकंड हो चुका है। अभी पूरी तरह से जो अंडा है राजू के थाली में 5 अंडा पूरी तरह से बरकरार है, और अनिल के थाली में 3 अंडे दिख रहे हैं। और सवाल अनिल जी को यही एक्सल पावर कायम रखनी होगी तभी राजू जी को हरा पाएंगे, नहीं तो हमको नहीं लग रहा है राजू जी आज हारेंगे। अभी भी राजू के पास 5 अंडे थे जिसमें से 1 अंडा खाने वाले हैं और खा भी लिए हैं, जबकि अनिल के थाली में अभी भी सलाद और कुछ चावल के 7 अंडे बरकरार हैं। तो देखना है इस थाली को खाली करके सबसे पहले 700 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है, राजू या अनिल। कौन जी क्या लगता है जीत किसकी हो सकती है। और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सलाद भी खा लीजिए नहीं तो सलाद में फंस जाएंगे आप। गजब यार, और देखते ही देखते पूरे अंडे को चट कर गए हैं चावल में, एकदम पूरी तरह से मिश्रित कर लिए हैं राजू। और देखना है कि दोनों लोग इस समय पूरी तरह से आ चुके हैं बराबरी पर। तो देखना है कि कौन सबसे पहले इस और थाली को खाली करता है। दोनों चैलेंजर फुल फॉर्म में आ चुके हैं, देखते हैं कितना बरकरार रखते हैं इस फॉर्म को।
मिर्च और दोनों लोग सलाद को बचा करके रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और सलाद को भी खाते रहिए, नहीं तो बीच में फंस जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि प्याज अकेले है तो प्याज अकेले नहीं खा पाएंगे। राजू वाला एक्सल पावर लग चुका है, जो एक्सल पावर लगाना चाहिए था। दोनों हाथों का जब एक्सल पावर लगा देते हैं राजू, तो जान के चलिए सामने बैठे चैलेंजर का छक्का छूट जाता है। और राजू जी एक्सल पावर, डबल एक्सल पावर में आ चुके हैं। आज देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली कौन करता है। सेम टू सेम चावल, सेम टू सेम अंडा बचा हुआ है, और जिस तरह मिश्रण किए हैं इसमें बताया नहीं जा सकता कितने अंडे बचे हुए हैं। तो जो चावल की मात्रा है एकदम पूरी तरह से दोनों लोगों के थाली में सेम बचा हुआ है। तो देखना है कि अब जो निर्णायक होगा, अब जो निर्णायक ये लोग देंगे वही मान्य होगा। तो देखते हैं कुंभकर्ण थाली कितने समय में लोग करते हैं खाली। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब तरीके से दोनों लोग झुके हुए हैं। लेकिन इस समय जो स्पीड थी राजू की, वो स्पीड भी कम हो चुकी है, और अनिल की भी स्पीड कम हो चुकी है, क्योंकि खाते खाते थोड़ी सी टंकी फुल होना चालू कर दिया है। तो देखते हैं कितनी एक्सल पावर लगाते हैं और कितने समय में इस प्लेट को खाली कर पाते हैं। और हमको नहीं लग रहा है आज राजू जी जीत कंप्लीट कर पाएंगे, और राजू जी आज अनिल जी से पीछे रह जाएंगे। ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन और अभी अधूरा बचा है, फिर भी खाना चालू कर दिए है। बहुत गजब। और राजू जी मात्र दो बाइट बची हुई है अनिल के पास, और आपके पास भी दो बाइट बची है। तो देखना है कि इस दो बाइट के साथ जीत को किसकी होती है, अनिल जी या राजू की। लगभग लगभग दोनों लोग पहुंच गए हैं, लेकिन राजू कुछ न कुछ दिक्कत हो चुकी है जिसकी वजह से आगे नहीं चल पाए। नहीं नहीं दिक्कत नहीं, अभी राजू जी से पूछते हैं क्या बात हुई। तो कोई दिक्कत नहीं, अनिल जी कंप्लीट कर लिए है और प्याज इनकी बची हुई है। तो राजू जी के पास भी प्याज थोड़ी सी बची हुई है, और कंप्लीट कर लीजिए भैया, नहीं तो राजू जी के पास जो प्याज बची है एक छोटा छोटा सा एक टुकड़ा बचा हुआ है एक सलाद का, लेकिन अनिल के पास अभी काफी हद तक प्याज, तीन प्याज बचा हुआ है, जिससे ये पीछे हो सकते हैं, क्योंकि सलाद खाना अनिवार्य था। तो देखते हैं अगर 6:30 मिनट में। और आप लोगों की क्या राय है कि प्याज खाना चाहिए था कि नहीं खाना चाहिए था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और राजू जी बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं, तो राजू जी को विनर बनाए या अनिल जी को विनर बनाए, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गजब तरीके से राजू जी ने पूरी तरह से फुल जो प्लेट में जितने भी आइटम था पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से खाए हैं, जबकि अनिल के प्लेट में अभी भी सलाद बचा हुआ है। तो इस हिसाब से राजू जी ही विनर हुए हैं, क्योंकि अनिल जी सलाद छोड़ दिए हैं। सलाद भी कंपलसरी था, बीच में बोला भी था हमने 2-3 बार की सलाद खा लीजिए, बीच साथ में खा लीजिए। तो अनिल जी क्या वजह रही आप सलाद नहीं खा पाए? अच्छा, इनके जीभ में प्रॉब्लम हो चुकी है, हो रखी है, इस वजह सलाद नहीं खाए हैं। तो अनिल जी को फिर विनर मतलब सलाद के लिए छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी मतलब एक प्याज भी बची थी, काफ़ी चावल बचा हुआ था, तब उससे पहले ही अनिल जी कंप्लीट कर लिए थे। तो इनाम की राशि अनिल जी को दे रहे हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या राजू जी जीते थे या नहीं जीते थे। तो कुंभकर्ण थाली अंडा चावल ईटिंग चैलेंज में ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और अनिल जी तीन प्याज छोड़ दिए थे, और जब अनिल जी खाना बंद किए तो राजू जी के पास भी प्याज और चावल था काफ़ी। तो अनिल जी के मुँह में इन्फेक्शन है, मतलब जीभ में प्रॉब्लम है, इस वजह से प्याज नहीं खाए हैं, फिर भी जितना हौसला दिखाए अनिल जी का धन्यवाद करते हैं। और इनाम की राशि अभी अनिल जी को दे दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या अनिल जी विनर थे या राजू जी। तो जैसे भी ज़्यादा कमेंट जिसका फेवर में आएगा उसी को इनाम की राशि दी जाएगी, तो मतलब दोबारा दे दी जाएगी राजू जी को। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, और इनाम की राशि अनिल जी को कैश देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंडा करी चावल में के चैलेंज में राजू और अनिल बैठे थे, दोनों लोग बहुत गजब की फुर्ती दिखाए, लेकिन आयन मौके पर राजू के पता नहीं क्या दिक्कत हो गई कि जो फुर्ती थी वो धीरे धीरे डाउन होती नजर आ गई, और अनिल जी इसका फायदा उठा के लगभग लगभग बहुत तेजी बरतते हुए जीत हासिल कर लिए हैं, और इनको इनाम का पैसा भी मिल गया है। मिल गया भैया? मिल गया, पूरा है ना? 700 है। बहुत गजब, ताजा ले रहा। तो कितना था? 700 रुपए का। अनिल जी उसमें आ गए कि मतलब 7 के बजाय और मिलना चाहिए था। तो फिर भी ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। राजू जी आपको क्या वजह रही थोड़ा सा पीछे रह गए? फंस गया था इसलिए। हाँ, मतलब इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था, इस वजह से पीछे रह गए, मतलब गाड़ी पटरी पे आ नहीं पाई। तो फिर भी ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, और
अंडा और चावल कैसा था? बहुत बढ़िया था, बहुत ज्यादा तीखा तो नहीं था? नहीं नहीं, तीखा हमको लगेगा क्योंकि हमारे मुंह में प्रॉब्लम है जीभ में, इसलिए तीखा लग रहा है, बाकी तीखा था नहीं, राजू जी कह रहे हैं। तो फिर भी ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।